फ्रेंड्स, ग्रेट स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गोरखपुर, चंडीगढ़ और हुबली के बारे में, जो कि 16 जोनों में से फ्रेंड्स यहां 13 जोन का यहां पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है डीबी मेडिकल के बाद। अब ये 3 बोर्ड ही बचे हैं फ्रेंड्स, चंडीगढ़ और हुबली और गोरखपुर। तो इन 3 बोर्डों का फ्रेंड्स कब तक यहाँ पर पार्ट पैनल जारी किया जाएगा, इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक न्यू नोटिस आया है, उस नोटिस के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उसी नोटिस से ये पता चल जाएगा कि कब तक फ्रेंड्स इन 3 जोनों का आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि 16 में से 13 जो जोन का जारी किया गया है, उनमें से मुंबई, भुवनेश्वर, प्रयागराज, इलाहाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, रांची, चेन्नई, जबलपुर, बिलासपुर और गोरखपुर का फ्रेंड्स बाकी है, हाजीपुर हो चुका है, जो कि आज सुबह सुबह फ्रेंड्स पटना का आज पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है। वेस्टर्न मुंबई का जारी हो गया सिकंदराबाद। तो फ्रेंड्स यही वो 3 जोन है, ये 4 जोन है फ्रेंड्स, जो कि इनका अभी पार्ट पैनल आना बाकी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ्रेंड्स अभी तक जो भी आप 13 RRC का जो पार्ट पैनल देखे हैं, वो डीबी मेडिकल के कितने दिन बाद यहाँ पर जारी किए गए हैं इनका पैनल, इन कुछ जोन को लेंगे उससे पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि डीबी मेडिकल के कितने बाद यहाँ पे पार्ट पैनल जारी किया जा चुका है और सभी बोर्डों में। तो इससे पहले आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स एक जोन ले लेते हैं जिनका डीबी मेडिकल के बाद यहाँ पर पार्ट पैनल जारी हुआ था, यहाँ RRC सिकंदराबाद का यहाँ पर लिया हूँ, जो कि इसमें आप देख पाएंगे कि इनका जो पार्ट पैनल आया था 21 मार्च को आया था, और डीबी और मेडिकल जो कंडक्ट हुए थे 7 फरवरी से और 13 मार्च तक यहाँ पे चला था इनका डीबी और मेडिकल। और प्रोविजनल पैनल जो जारी किया गया फ्रेंड्स 7305 कैंडिडेट का, वो 21 तारीख को जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ 13 मार्च से और 21 मार्च के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे मात्र 8 दिन का अंतर है, यानी फ्रेंड्स एक बोर्ड में तो यहाँ 8 दिन के बाद पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है। अब दूसरे बोर्ड का भी देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पटना बोर्ड का है, पटना बोर्ड का जो डीबी और मेडिकल हुआ था 13 मार्च तक चला था, 13 मार्च तक डेट था फ्रेंड्स यहाँ पे पटना RRC का, और यहाँ जो पार्ट पैनल जारी किया गया है आज ही के डेट में, कल के डेट में 24 मार्च को यहाँ पे जारी किया गया था। तो यहाँ पे 11 दिन लगे पटना में भी फ्रेंड्स, 11 दिन पार्ट पैनल जारी करने में लगे डीबी मेडिकल के बाद। एक और बोर्ड लेते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं सेंट्रल रेलवे का है, सेंट्रल रेलवे में भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनका डीबी और मेडिकल चला था वो 16 जनवरी से 21 जनवरी और एक और डेट 8 फरवरी से 14 फरवरी तक चला था, और एब्सेंट कैंडिडेट का जो लास्ट डीबी मेडिकल का डेट था वो 11 मार्च था। तो फ्रेंड्स 11 मार्च से और यहाँ पे ये जो जारी किया गया है यहाँ पे 18 मार्च को जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ 18 मार्च को लास्ट डेट था 11 मार्च, 11 मार्च तक छूटे हुए कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होना था, और मात्र 7 दिन के बाद ही फ्रेंड्स सेंट्रल रेलवे भी पार्ट पैनल जारी कर दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स और भी जोन का, जैसे कि हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ का फ्रेंड्स जो 13 फरवरी से यहाँ पर डीबी और मेडिकल स्टार्ट हुआ था, और 15 मार्च तक यहाँ पर चला था 15 मार्च, और एक ब्लॉक डेट रखा गया था दिल्ली चंडीगढ़ जोन में 16 मार्च। तो 16 मार्च फ्रेंड्स इसमें अगर 10 डे और जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 26 तारीख के डेट में, 26 तारीख के डेट में फ्रेंड्स कल के डेट में यहाँ पे इनका भी पार्ट पैनल जारी हो सकता है, या 1-2 दिन और लग सकते हैं। तो 28 से 29 तारीख तक फ्रेंड्स यहाँ दिल्ली जोन का भी पार्ट पैनल जारी कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं गोरखपुर जोन का। तो गोरखपुर जोन का फ्रेंड्स 21 फरवरी से यहाँ पे डीबी मेडिकल स्टार्ट हुआ था, और 17 मार्च तक यहाँ पे डीबी मेडिकल चला फ्रेंड्स, और इसका जो टेंटेटिव डेट है लगभग फ्रेंड्स पार्ट पैनल जारी करने का 17 मार्च से, आप जोड़ सकते हैं कि 27-28 तारीख को यहाँ 10 डे पूरा है, तो आप इसमें फ्रेंड्स 29 या 30 तक या मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पे गोरखपुर जोन का भी पार्ट पैनल जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स RRC हुबली बंगलोर, RRB बंगलोर का, जो कि RRC हुबली है फ्रेंड्स, हुबली का यहाँ पे 20 फरवरी से फ्रेंड्स यहाँ डीबी और मेडिकल स्टार्ट हुआ था, और 25 मार्च को यानी कल के डेट में 24 मार्च को ही फ्रेंड्स डीबी मेडिकल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस जोन का भी अगर देखा जाए तो 25 तारीख से 10 डे और इसमें ऐड कर लीजिए, तो फ्रेंड्स इसमें 4 या 5 तारीख तक यहाँ पे हुबली जोन का भी पार्ट पैनल यहाँ पे जारी कर दिया गया, 4 या 5 अप्रैल तक यहाँ पे जारी किया जा
सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 25 मार्च को डीबी मेडिकल लास्ट डेट ख़त्म हुआ ही है, तो इसमें भी 10 डे आप ऐड करके जा सकते हैं, यानी जोड़ के काउंट कर सकते हैं कि इतने दिन में लगभग 4 से 5 अप्रैल तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये पार्ट पैनल जारी किया जा सकता है। एक और अपडेट आया है फ्रेंड्स रोजगार मेला के से रिलेटेड, जो कि 22 मार्च के डेट में ये जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ अपडेशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू द रोजगार मेला, रोजगार मेला से रिलेटेड जो भी डेटा है ज्वाइनिंग से रिलेटेड उससे रिलेटेड यहाँ वो सारे डिटेल मांगे हैं। ए रोजगार मेला इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टेंटेटिवली 30 मार्च 2023। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे 30 मार्च तक सभी जोनों से यहाँ पे डेटा मांगा गया है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, ताकि वो जो रोजगार मेला चलने वाला है फ्रेंड्स अप्रैल के फर्स्ट वीक में उसमें उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा सके जिनका यहाँ पे ज्वाइनिंग होना बाकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे RRC गोरखपुर चंडीगढ़ ये जोन का तो फ्रेंड्स आ सकता है, उनका ज्वाइनिंग मार्च के फर्स्ट वीक में मिल सकता है, बट यहाँ पे हुबली का फ्रेंड्स यहाँ पे लेट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट रोजगार मेला में यहाँ पे जारी होगा, जो कि 15 अप्रैल तक यहाँ पे हुबली का भी फ्रेंड्स यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है रोजगार मेला में। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, यदि कोई सवाल या क्वेरी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट पे वीडियो कोशिश करूँगा लाने का। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद।